सीट पर आऊंगा और कसाना अपने आप रिपोर्ट करता रहेगा। शुरू करो। तो वाइवा शुरू कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं मनदीप, आप स्मार्ट लड़के हो इसलिए। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? F इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पर सेकंड चेंज इन मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। व्हाट इज एक्सीलरेशन देवराज? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं नहीं, एक्सीलरेशन क्या होता है सिंपल? मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी। कमल बेटा जाओ। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट आप, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? सर थोड़ा गैप लेकर हो जाओ, फैल जाओ। मास इनटू वेलोसिटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? सर मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी सर? मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क एफ, सॉरी सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, आसान। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? शांत शांत स्मॉल टी। हां वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं, नाम क्या है इसका पूरा? इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 टू 10 की पावर -11 एन मीटर। तालियां हो जाए बच्चे के लिए। छुपा रुस्तम है, बहुत बढ़िया। बताओ यार, तुम्हें समझता था, ऐसे ही लाओ, तुम तो अच्छे लड़के निकले भाई, इतने बड़े बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद भी, वेरी गुड। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? सर सर जो सैटेलाइट, सुनो जो बच्चा बोल रहा है सुनो सर, जो सैटेलाइट मतलब सर, अगर ये वाइवा अच्छी हुई तो मैं अभी आपके नंबर रख दूंगा प्रैक्टिकल में, टाइम बचेगा हमारा। सर जो 3000 के अंडर में सैटेलाइट, 1000 किलोमीटर के, 1000 किलोमीटर के जियो स्टेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? सर जो 3000 के अंडर, 3000 नहीं, 3000 से 5000 किलोमीटर, 36000 किलोमीटर। घबरा रहे हो आप? घबराओ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। What are geostationary satellite? सर geostationary satellite, सर जो सैटेलाइट 36000 के अंडर होती हैं या उससे बाहर होती हैं उन्हें geostationary satellite। इनको geostationary क्यों कहते हैं? Stationary का क्या मतलब है? सर सर क्योंकि ये सर शायद ये जहाँ पर इनको लॉन्च किया जाता है उसी जगह के ऊपर रहते हैं। अगर मैं गाजियाबाद के ऊपर लॉन्च करूंगा तो हमेशा गाजियाबाद के ऊपर दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि वो एक ही जगह के ऊपर रहते हैं? सेम वेलोसिटी से, जितनी अर्थ की वेलोसिटी है एंगुलर उतनी उसकी होती है। तालियां बजाएं बच्चे के लिए। देखो ये अर्थ है, क्लास में बताया था मैंने, ये सैटेलाइट है, जितना अर्थ घूमेगी उतना ही सैटेलाइट। आजकल गर्ल्स हर फील्ड में आगे क्यों जा रही है? नासा में सारी साइंटिस्ट महिलाएं क्यों है? क्योंकि लड़कियां ज्यादा सीरियस हो रही है पढ़ाई के लिए, लड़के नहीं हो रहे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर सैटेलाइट? Polar satellite are those satellites that revolve around the Earth and their height is 1000 kilometer. अच्छा ये बताइए कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? आज ही पढ़ा है। Yes sir, स्प्रिंग कांस्टेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का कांस्टेंट 50 है, एक का 100 है, ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है? 100। और किसको दबाना ज्यादा मुश्किल होगा? 100। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग? अगर ये स्प्रिंग है मेरे पास, तराजू देने वाली, सुनो देखते रहो, दूसरों को देख के सीखता है इंसान। आप क्या करते हो, जब कोई और बच्चा बताता है तो सुनते ही नहीं हो, फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, फिर आप अटक जाओगे। देखो ये स्प्रिंग है, मैं इसको खींच रहा हूँ, छोड़ दूंगा, अब वापस चला गया। क्यों गया वापस? Because spring has restoring force. Restoring force क्या होता है? स्तुति सर, जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप या पोजीशन गेन कर लेता है। कोई भी चीज नहीं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, पर स्प्रिंग का जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिसिटी नहीं होती, स्प्रिंग को स्टील का बनाते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स। ये क्वेश्चन
आउटर सिलेबस था क्योंकि भी पढ़ाया एकदम ही पढ़ाया, बट आप डरो मत। आप मुझे बताइए बर्नौली प्रिंसिपल क्या है? कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए पास्कल लॉ क्या है? घबराओ नहीं, रिलैक्स। सर इन क्लास में अब्सेंट थी। क्लास में अब्सेंट थी, कोई बात नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस हैव नो यूनिट्स। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डाइमेंशनलेस। डाइमेंशन भी होती है, वो स्ट्रेन होता है जो आप बोल रहे हो। लड़को स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती बट स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप बताओगे नहीं मैं आसान क्वेश्चन करता जाऊंगा। अगर आप बताती रहती तो मैं हार्ड करता, मैं इजी जा रहा हूं। ठीक है बेटा, बातें कर रहे हो उधर। मनदीप आप इनको सबको चुप रखोगे, आप जिम्मेदारी। बेटा ये बताओ कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अभी पढ़ा करो दिन पर। डर गई आप। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। टोटल हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम कांट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। कोई बात नहीं, डर डर गई। अब दिया आप मत डरना, उधर को देखो। व्हाट इज जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स? रोल नंबर क्या है आपका? आपका रोल नंबर क्या था बेटा? 18, 19 रोल नंबर है, बताओ। सर जिसमें, अरे रोने लगी है, रो रही है। नो सर, एक वाइब आवा और ही वाइब आऊंगी अभी। अभी मैं दोबारा जाऊंगा आपके पास, इजी क्वेश्चन पूछूंगा। हां सर, क्लास मैंने लीन के बट थोड़ा बहुत पता है। व्हाट इज हीट? ओए व्हाट इज हीट? वर्क। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर किसी को बुखार है और डॉक्टर साहब कहते हैं उसको 102 बुखार है, तो केल्विन बोल रहे हैं सेल्सियस या फारेनहाइट? सेल्सियस। फारेनहाइट मरवाएगी सेल्सियस में। अच्छा कोई बात नहीं, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? अपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड, जो होशियार बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। सर अपोजिट रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गीता, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर मैं एब्सेंटी। सर मैं एब्सेंटी आई नहीं थी। ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल लॉ? सर पास्कल लॉ होता है जब किसी कंटेनर में जो प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। किसी कंटेनर में एक गिवन डेप्थ पर प्रेशर क्या रहता है? सेम हर पॉइंट पर। गाड़ियों के ब्रेक पास्कल लॉ पर काम करते हैं, सुन लो ध्यान से, गाड़ियों के ब्रेक पास्कल लॉ पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? सर वो सैटेलाइट जो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की या उससे ज्यादा की दूरी पर जो व्हीकल यानी कि रॉकेट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम आते हैं, व्हाट वी से देम? व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हीकल टू लॉन्च जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? बोलो जीएसएलवी। तालियां हो जाए जोर से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कल आप इंटरव्यू में डरो नहीं, कल आप इंटरव्यू में डरो नहीं। जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जियो स्टेशनरी वो व्हीकल होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितने भी देश होते हैं वो ये नहीं कहते मिसाइल बना रहे हैं, वो कहते हैं हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सर हाँ सॉरी सही है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, हाफ नहीं होता इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम? सबसे आसान क्वेश्चन। The work done by an object is equal to change in its kinetic energy. आप बताइए। What do you mean by conservative force? Chapter number 6. If the work done by a force does not depend on the path attained by the object, then such type of force is known as conservative force. For example, gravitational force. अगर कोई लड़का लिफ्ट से गिरे या कूदे या जीने से आए, उसको काम कितना करना पड़ेगा? MGH। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव। पर अगर मैं एरोप्लेन से जाऊं अपने गांव, या मैं गाड़ी से जाऊं, या मैं जाऊं बैलगाड़ी से या नाव से, तो हर बार अलग अलग काम करना पड़ेगा क्योंकि पाथ बदल गए हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा हूं, पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? एम्पल फोर्स। शाबाश, सही बोल रहे हो बिल्कुल। F is equal to ma होता है, बट इसका लॉ क्या है? कल ही बताया था मैंने क्लास में, मैंने कहा था बच्चों, हाँ बोलो, देखो बोल रहे हैं, बोलो। rate of change of momentum।
जब इसका नंबर आया तब बोल नहीं पा रही थी, अब सब याद आ रहा है, होता है, मुझे पता था इसको आंसर आते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था F is equal to ma, सेकंड लॉ नहीं है। द सेकंड लॉ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक क्वेश्चन और पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? यंग मॉडुलस क्या होता है? नहीं पता कौन से चित्र आता है मन लगता है पढ़ने में। नो वन ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर सैटेलाइट? सर पोलर सैटेलाइट वो है जो धरती के नीचे जाने पे आपका वेट कम हो जाएगा या बढ़ेगा? सर अगर आप नीचे चली आती हो किसी गड्ढे के अंदर तो वेट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अगर आप धरती के ऊपर चले गए तो वेट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा सर। ठीक है। वेटलेसनेस क्या होती है? वेटलेसनेस जिसमें हमारा वेट जैसे क्लास में बोलती हो तो उन्हें इसे बोलो जोर जोर से, अब देखो आवाज कैसी हो गई। वेटलेसनेस ये तो बुढ़ापे की आवाज होती है, अभी तो आप बच्ची हो। बताओ वेटलेसनेस जिसमें सर वेट नहीं होता। जिसमें वेट नहीं होता सही बात है, बट साइंटिफिकली बताना है। बात तो सही है आपकी, जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? व्हाट इज पास्कल लॉ? द स्टूडेंट्स हु डोंट नो द लॉ ऑफ पास्कल दे आर रास्कल। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एफ इज इक्वल टू जी माइनस जी माइनस जी एम ई। अगर धरती ज्यादा तेज रोटेट करना शुरू कर देगी तो ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। घटेगा। अगर धरती की स्पीड डबल हो गई तो हम सब आसमान में पहुंच जाएंगे, स्पेस में, सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर अर्थ से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? सर सब मर जाएंगे। सब क्या? बिल्डिंग का क्या होगा? बिल्डिंग मर जाएंगे? सर नहीं, लिविंग थिंग्स मर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं बचेगी। 10 मिनट के अंदर हर बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सीमेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीजन बॉन्डिंग से ही जुड़े होते हैं। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो दुनिया की हर स्ट्रक्चर नीचे पड़ेगी आकर। देखो पता है आपको बात, ये मैं बता रहा हूँ। वॉट इज एस एच एम? हार्ड एंड फास्ट कंडीशन। सर एस एच एम, बातें नहीं करो अभी, दोबारा नंबर आएगा जो बात करो। K इज इक्वल टू माय एस एच एम की हार्ड एंड फास्ट कंडीशन। आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉट इज मोमेंटम? सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। वॉट इज इम्पल्स? इम्पल्स सर सॉरी। खोल दो सर, खोल दो, खोल दो सर, खोल दो फिर की। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर इम्पल्स। इम्पल्स देखो जब कोई, कौन बताएगा? हाँ बोलो। सडन फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई फोर्स, ये बंद कर दो, बहुत छोटे टाइम के लिए लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? एफ इंटू डेल्टा टी। सिंबल इज जे, जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। जब कोई गाड़ी की साइड लग जाए, बैट्समैन खड़ा है एकदम हल्का सा टच कर दे बस, ये क्या होते हैं? इम्पल्स। कोई बहुत जोर से एकदम अचानक चांटा मार दे लेकिन गाल का टच का टाइम बहुत कम हो और थप्पड़ ज्यादा जोर से हो तो क्या होगा? इम्पल्स। लेकिन अगर कोई आराम से मारे तो ये इम्पल्स नहीं, क्या है? फोर्स। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी सर जो चीज एम जी एच। वेरी गुड। एम जी एच। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इसको आता है, घबरा रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर। आप बताइए स्प्रिंग वापस क्यों चला जाता है जिसको दबाते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग सर जी जब हम उसे दबाएंगे तो अपने, देखो अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और आपने उसको एक्स दबाया तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? नापते कैसे एनर्जी की? एनर्जी जूल। जूल, क्या बात है। वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एमजीएच मास। यूनिट जूल। जूल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जूल एनर्जी। हीट एनर्जी की? जूल। सारी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? और सारी एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होती है? बोलो एक साथ, जूल। सिंबल क्या होता है? जे, कैपिटल जे। और डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट? सर e इक्वल्स टू hf। वेरी नाइस यार, तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो बातें क्यों करते हो? आई कांट बिलीव कि इसको ये फार्मूला पता है।
सच बताऊं तो मैंने इसको डांटने के लिए टफ क्वेश्चन पूछा एंड ही आंसर्ड मी. क्या बात है. पापा क्या करते हैं? सर ड्राइवर टैक्सी. जोर से ताली बजाओ बच्चे के लिए. आपके पापा मेहनत करते हैं और टैक्सी चलाते हैं. आपको ये फर्ज है कि आप एक बड़े ऑफिसर बनो या किसी बड़ी कंपनी में मल्टीनेशनल जॉब करो. करोगे? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? सर वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इंटेलिजेंट बच्चा है ये तो. व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? सर स्प्रिंग को खींचने के बाद. व्हाट इज पास्कल लॉ? सर डेंसिटी वाटर की किसी कंटेनर में. पास्कल लॉ से आप डर जाते हो. एक कंटेनर फील करो मन में. कर लिया? उसमें एक डेप्थ पर चार लड़के डूबे हुए हैं एक ही डेप्थ पर, तो उनको सबको प्रेशर बराबर फील होगा. एक फ्लोर पे बराबर प्रेशर आता है टंकियों में, आता नहीं? बताया था मैंने. इसी को पास्कल लॉ कहते हैं. वेरी नाइस मनदीप. हो गया आपका? तो ये था हमारा आज का वाइवा. कैसा लगा आपको वाइवा? मजा आया? यस सर. और